हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। जयराम सरकार के प्रथम बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्षी दल कांग्रेस ने जमकर हंगामा कर वॉकआउट किया। कांग्रेस ने शोक उद्गार प्रस्ताव पर चर्चा के बाद नियम 67 के तहत दिए गए स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कर सारा काम रोक कर केवल धारा 118 के सरलीकरण पर चर्चा मांगी। विपक्षी पार्टी ने आरोप चढ़ा है कि इस धारा में बदलाव कर हिमाचल वासियों की जमीनें बाहर के लोगों को बेचने का रास्ता सरल बनाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने तत्काल चर्चा करवा पाने से इनकार किया तो इस पर उखड़े कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर की बार बार रोकने के बावजूद विपक्ष के सदस्य नारेबाजी और शोर शराबा करते रहे। बाद में जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। स्पीकर ने आगामी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए तो कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उनके अलावा दो अन्य विधायकों रामलाल ठाकुर और जगत सिंह नेगी ने अध्यक्ष को नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस पर गौर करते हुए सारा कामकाज रोका जाए और धारा 118 के तहत सरकार की ओर से किए जा रहे बदलाव पर चर्चा की जाए। अग्निहोत्री ने पूछा है कि क्या धारा 118 को हटवाने का प्रस्ताव प्रावधान भाजपा के घोषणा पत्र में भी था। उन्होंने इसके लिए प्रदेश की अफसरशाही को भी जिम्मेवार ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसके बारे में कांग्रेस विधायकों का नोटिस मिला है, इस पर सरकार को जवाब भेज दिया जाएगा। जवाब आने के बाद ही स्थगन प्रस्ताव के इस नोटिस पर विचार किया जाएगा। ये हंगामा करीब 12:15 बजे तक चलता रहा। इसके बाद कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिमाचल के हितों की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सरकार की मंशा में खोट है, हिमाचल हितों पे जोर है। सरकार की मंशा में खोट है, हिमाचल हितों पे जोर है। सरकार की मंशा में खोट है, हिमाचल हितों पे जोर है। 118 को हटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। 118 को छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। 118 बंद करो, बंद करो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल को किसी भी हाल में बिकने नहीं दिया जाएगा। वीरभद्र सिंह ने भी राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से ये बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल के हितों की रक्षा की है। भाजपा की सरकार को हिमाचल के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। नदौन के विधायक एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि कांग्रेस धारा 118 से छेड़खानी के इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के बीच ले जाएगी। विपक्ष के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने साफ किया है कि एक्ट में संशोधन का सरकार ने कभी जिक्र तक नहीं किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3,327.47 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखा। इंडस्ट्री स्टेट बनाई जाती है जहाँ इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है, मगर आज अगर हम कोई भी पंजाब से आना चाहे, हिमाचल से बाहर आना चाहे, कहीं भी जमीन खरीदना चाहे, आज उसकी ये उस धारा को खत्म करना चाहते हैं। इसका मकसद होगा कैसे दार आए ऐसे वही लोग बाहर से आएंगे और खूब तिगना दाम देंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इस मुद्दे पे? अपोजिट मिशन सिंह परमार के पक्ष से ये नीति बनी है। कांग्रेस की सरकार ने जब भी खेत पर मुख्यमंत्री रहा हूँ, हमने भी इसी को हिमाचल को जिंदा रखा, इसका हिमाचल का नंबर एक जिंदा रखा है। और आज नए मुख्यमंत्री आए हैं, 1.5 महीने हुआ उनका के, आज पता नहीं किसके कहने से आज ये गलत कदम था।